नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और आज कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं, पहले वो बता दूं। लंपी वायरस, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन है क्या ये, क्या इसको लेकर किया जाना चाहिए, गायों को कैसे बचाया जाना चाहिए, इसको लेकर क्या हो रहा है, आज इसका डिटेल चैप्टर लेकर आया हूं। कोविड से सीख लंपी में कितनी काम आई, आज इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा देश के अंदर बैठे दुश्मनों से मोदी की जंग का चैप्टर खोलूंगा और नक्सल मुक्त भारत कैसे बना रहे हैं मोदी, आज ये भी बताऊंगा। लेकिन पाठशाला की शुरुआत आज के पहले चैप्टर से। पाठशाला में सबसे पहले उस लंपी वायरस का चैप्टर जिसने देश में हजारों गायों की जान ले ली। पिछले कई दिनों से पाठशाला के फैंस लगातार मुझे मैसेज कर रहे थे कि मुझे एक चैप्टर लंपी वायरस पर करना चाहिए, क्योंकि बड़ी संख्या में इस वायरस से गायों की मौत हो रही है और इस वायरस से संक्रमित होकर जिस तरह से गायों की मौत हो रही है वो बहुत ही दर्दनाक है। जिस तरह से ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है उससे मामला बहुत चिंताजनक भी हो गया है, लेकिन मीडिया में जितनी जगह इसको मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, और इसलिए आज हमने पाठशाला में इस चैप्टर को खोलने का फैसला किया। क्योंकि लंपी वायरस कम से कम देश के 15 राज्यों में फैला है और इससे करीब 18.5 लाख जानवर संक्रमित हैं, करीब 75,000 से ज्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है। आपको अगर राज्यों के हिसाब से बताना शुरू करूं तो सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित राज्य है तो उसका आंकड़ा अगर आप देखिएगा तो आप हैरान रह जाएगा। लंपी वायरस से प्रभावित, और वो कौन कौन से राज्य हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि अभी राजस्थान की तो चर्चा हो रही है कि वहां पर कितने केसेस हैं, इसको लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन सिर्फ राजस्थान अकेला नहीं है, राजस्थान सबसे ज्यादा प्रभावित है। वहां पर 13,42,348 केस हैं। एक तरीके से ये इतने जानवर संक्रमित हो चुके हैं 13 लाख से ज्यादा, और 61,209 मौत हुई है जानवरों की। ये अकेले राजस्थान के अंदर हुआ है सबसे ज्यादा। इसके अलावा हरियाणा है, हरियाणा के अंदर आप देखिएगा तो वहां पर भी 1 लाख से ज्यादा केस हैं, 1 लाख से ज्यादा, और वहां पर 2,500 से ज्यादा मौत हुई है, 2,500 मौत हुई है। यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर 25,000 केस हैं और जो मौत का आंकड़ा है उत्तर प्रदेश के लिए वो 200 प्लस है, वो उत्तर प्रदेश में 200 मौत हुई है। मध्य प्रदेश एमपी, यहां पर 13,000 केस हैं और यहां पर 100 से ज्यादा जानवरों की मौत हुई है। महाराष्ट्र, एक और राज्य जहां पर लंपी वायरस ने जानवरों पर प्रभाव छोड़ा है, यहां 11,000 प्लस केस हैं और यहां 350 ज्यादा से ज्यादा मौत हुई। इसके अलावा गुजरात है, दिल्ली है, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर लंपी वायरस फैला है और इनमें संक्रमण के ज्यादातर मामले गायों के ही मिल रहे हैं। और इस साल जुलाई से ऐसा चल रहा है, जब गाय में लंपी वायरस का इंफेक्शन हो जाता है तो क्या होता है इसको भी समझिए। गाय के शरीर पर इस तरह की गांठें बन जाती हैं, ये गांठें शरीर के अलग अलग हिस्सों में दिखने लगती हैं। ये गांठें जो होती हैं बहुत ठोस और उभरी हुई होती हैं, इन गांठों के बाद पपड़ी जैसी बन जाती है और पपड़ी निकलने के बाद ये गांठें फोड़े जैसे हो जाते हैं। इस बीमारी में अक्सर ऐसा होता है, गायों के पैरों में सूजन आ जाती है, इसके बाद शरीर में फोड़े हो जाते हैं और फिर इससे के बाद गर्दन और पूरे शरीर में फोड़े फैल जाते हैं। कई तस्वीरें तो ऐसी हैं जिनको दिखाना संभव नहीं है, इतनी बुरी हालत में गायों की मौत हुई है। गायों का चलना फिरना बंद हो जाता है, मुंह से बहुत ज्यादा लार आने लगती है, नाक से पानी बहने लगता है और आंख से भी पानी आने लगता है। गायों को चारा खाने में दिक्कत होने लगती है, इसके बाद गायें चारा खाना बंद कर देती हैं, दूध देना कम कर देती हैं या बिल्कुल बंद हो जाता है,
और बाद में गाय की मौत हो जाती है। लंपी एक वायरल बीमारी है, इसलिए इसमें इंफेक्शन तेजी से फैलता है। संक्रमित गायों के शरीर पर बने फोड़ों पर जब मक्खी या मच्छर बैठते हैं तो वो इस बीमारी को दूसरी गायों में भी फैला देते हैं। लंपी से गाय के अलावा भैंस और दूसरे पालतू जानवर भी संक्रमित हुए हैं, लेकिन भैंस में वायरस का प्रभाव कम देखा गया। संक्रमण के सबसे ज्यादा 90% केस गायों के ही आए और लंपी से मरने वाले जानवरों में सबसे ज्यादा संख्या गायों की ही है। गायों में भी जो क्रॉस ब्रीड गाय है उनमें लंपी का सबसे ज्यादा प्रभाव है। देसी गायों में लंपी वायरस का प्रभाव कम बताया जा रहा है। यह इंफेक्शन आप समझिए इतना खतरनाक होता है कि संक्रमित जानवर को बचाना बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है, क्योंकि लंपी वायरस के इंफेक्शन से संक्रमित जानवर की स्किन में 10 से लेकर 50 mm तक की गांठें पड़ जाती है। संक्रमित जानवर के पैरों में सूजन आ जाती है जिससे वो चलना फिरना बंद कर देता है। आंखों से इस तरह से लिक्विड निकलने लगता है जिससे जानवर अंधा भी हो सकता है। मुंह से लार बहुत तेजी से गिरती है, जो मैंने आपको बताया। हाई फीवर हो जाता है, जानवर जो है बहुत मुश्किल महसूस करता है। चिंता की बात यह भी है कि भारत में इस बार जो लंपी वायरस फैला है उसमें मौत की दर दुनिया के औसत से बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ यानी WOAH के मुताबिक लंपी वायरस में जो मोर्टैलिटी रेट है, लंपी वायरस की जो मृत्यु दर एक तरीके से आप कहिए, वो 1 से 5% है। 1 से 5% इसके अंदर बताया जाता है कि मोर्टैलिटी रेट है। ये दुनिया भर का आपको बता रहा हूं, लेकिन भारत में इस बार जो मोर्टैलिटी रेट है वो भारत के अंदर, और ये दुनिया का बताया आपको, इस बार भारत के अंदर जो मोर्टैलिटी रेट है वो करीब करीब 15% का बताया जा रहा है। यानी अगर 100 गायों को जो है ये हो रहा है तो बड़ा नुकसान हो रहा है, बड़ी मौतें हो रही हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लंपी वायरस के तेजी से फैलने और ज्यादा घातक होने के पीछे कई कारण हैं, जैसे वायरस के नए वेरिएंट का आना, क्लाइमेट चेंज का प्रभाव, कई जगहों पर ज्यादा बारिश होना, बाढ़ आना, मॉनसून में मक्खी और मच्छरों का ज्यादा होना जो बीमारी को ज्यादा तेजी से फैलाती है, और इसके अलावा डेयरी फार्मिंग के पैटर्न में भी बदलाव होना। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इन सभी फैक्टर्स से मिलकर यह वायरस बहुत घातक हो गया है और इस बार बड़ी संख्या में जानवरों को संक्रमित कर रहा है और जानवरों की जान ले रहा है। लंपी वायरस भारत आया कैसे, क्या यहीं पर था, बाहर से आया, क्या हुआ, यह भी आपको बता देता हूं। लंपी वायरस आज का नहीं है, यह बहुत पुराना वायरस है। सबसे पहले 1929 में अफ्रीका के देश जाम्बिया में लंपी वायरस फैला था। 90 के दशक तक लंपी वायरस पूर्वी और अफ्रीका के देशों तक ही सीमित रहा, लेकिन धीरे धीरे उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया और टर्की तक फैल गया। 2015 में लंपी वायरस का प्रभाव दक्षिण पूर्व यूरोप और रूस के इलाके में भी देखा गया। 2015 के बाद लंपी वायरस चीन में फैला। 2019 में लंपी वायरस का प्रभाव बांग्लादेश में दिखा और यह अनुमान लगाया गया कि 2019 के दौरान ही वायरस ओडिशा और पश्चिम बंगाल में आ चुका था। राजस्थान से इकट्ठा किए गए कुछ सैंपल्स के आधार पर एक्सपर्ट्स ने बताया कि भारत में इस वक्त जो लंपी वायरस फैला हुआ है वो पहले के लंपी वायरस से अलग है और इसका पाकिस्तानी कनेक्शन भी है। गुजरात और राजस्थान में लंपी वायरस फैलने से पहले यह वायरस पाकिस्तान के सिंध में फैल चुका था। पाकिस्तान में लंपी वायरस का पहला केस सितंबर 2021 में मिल चुका था, लेकिन इस केस में लंपी वायरस की पुष्टि इस साल मार्च में हुई। इसका मतलब यह है कि इस बार का लंपी वायरस पाकिस्तान से भारत में फैला है और जुलाई और अगस्त में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में इस वायरस के संक्रमण की शुरुआत हुई। हालांकि तब इसमें मृत्यु दर बहुत कम थी, जो मृत्यु दर अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। लंपी वायरस से संक्रमित जानवर को आइसोलेट करना जरूरी होता है, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा हूं, अगर मक्खी मच्छर से दूसरे में फैल जा रहा है तो वो जानवर अगर आसपास होगा तो फैलने की संभावना और बढ़ती है, जिससे संक्रमित जानवर से ये दूसरे जानवरों में वायरस न फैले ये सुनिश्चित किया जा सके। लेकिन संक्रमित गाय को आइसोलेट नहीं किए जाने से स्थिति बिगड़ी।
खासतौर पर गौशालाओं में इस वायरस से संक्रमित गायों की बड़ी संख्या में मौत हुई, क्योंकि गौशाला में एक गाय संक्रमित होती है और अगर समय पर इसकी देखभाल न की जाए तो फिर वायरस दूसरी में फैलता है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और फैलता चला जाता है। इसके अलावा वायरस से मरने वाले गोवंश के शवों को खुले में छोड़ने से भी वायरस तेजी से फैला। कई जगहों पर ऐसी भयावह तस्वीरें भी दिखी जहां पर गोवंश के शवों को खुले में छोड़ दिया गया। इसके अलावा आवारा पशुओं और छुट्टा गायों के रखरखाव की कोई व्यवस्था न होने से उनमें जब यह वायरस फैला तो हालात बिगड़ते चले गए। सबसे बड़ा चैलेंज इस बीमारी को मैनेज करना है, क्योंकि लंपी वायरस का कोई स्पेशल इलाज नहीं, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, ना ही कोई स्पेशल दवाएं बनी है। संक्रमित जानवरों को गोट पॉक्स वैक्सीन के टीके लगाए जा रहे हैं जो भारत में पहले भी जानवरों को लगते रहे हैं। गोट पॉक्स टीकों का असर भी दिख रहा है। भारत में 1 करोड़ से ज्यादा टीके जानवरों को लगाए जा चुके हैं और इनमें 30 लाख टीके केंद्र ने सिर्फ राजस्थान को दिए हैं। इसमें 21 दिन तक संक्रमित जानवर को आइसोलेट किया जाता है और उसके बाद उनमें इम्यूनिटी बनती है। भाई जैसे आपको कोरोना का वायरस फैल रहा था तो कोरोना का वैक्सीनेशन लग रहा था ना, वैसे ही इन जानवरों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। और जैसे उस वक्त जहां ज्यादा जरूरत थी और केंद्र ने उस तरीके से वैक्सीन बांटी थी, वैसे ही चूंकि राजस्थान में 13 लाख से ज्यादा केसेस हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा यह दिया गया है। अगर शुरुआत में सिर्फ गांठ बनने तक जानवर का रखरखाव, उपचार और टीका लग जाता है तो 2 हफ्ते में संक्रमित जानवर लंपी वायरस से मुक्त हो जाता है, लेकिन अगर फोड़े के घाव खुल गए तो जानवर को ठीक होने में काफी वक्त लग जाता है। यानी वैक्सीनेशन, आइसोलेशन मतलब अलग रखना, और संक्रमित जानवर का रखरखाव ही पूरा उपचार है, जिससे लंपी वायरस से न सिर्फ संक्रमित जानवर को मुक्त किया जा सकता है बल्कि दूसरे जानवरों में भी फैलने से इसे रोका जा सकता है। गायों में लंपी वायरस के बाद एक सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या लंपी से संक्रमित गाय का दूध सुरक्षित होता है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक लंपी से संक्रमित गाय का दूध पूरी तरह से सुरक्षित है, उसे पी सकते हैं, दूध की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं पड़ता। लंपी से संक्रमित गाय का दूध बिना उबाले भी पी सकते हैं। लंपी वायरस के लिए स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार की जा चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी जानकारी दी थी। एक बार आपको सुनवाता हूं पीएम मोदी ने क्या कहा था। साथियों, आज आपके बीच चर्चा करते हुए मैं डेयरी सेक्टर के सामने आई सबसे ताजा चुनौती का भी जिक्र करूंगा। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिजीज की स्वदेशी वैक्सीन भी तैयार कर ली है। वैक्सीनेशन के अलावा जांच में तेजी लाकर, पशुओं की आवाजाही पर नियंत्रण रखकर उस बीमारी को काबू करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से कोरोना के खिलाफ भारत ने जंग लड़ी और स्वदेशी वैक्सीन के दम पर कोरोना को काबू किया, उसी तरह से लंपी वायरस के खिलाफ भी भारत ने स्वदेशी वैक्सीन तैयार की है। उम्मीद है कि जल्दी ही लंपी वायरस को कंट्रोल कर लिया जाएगा। पाठशाला में अब देश की इंटरनल सिक्योरिटी का वो चैप्टर जिसमें पीएम मोदी देश को नक्सल आतंक मुक्त बनाने में जुटे हैं। इंटरनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रही और इसके नतीजे भी दिखने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार देश से नक्सलवाद को हटाने की बात कर चुके हैं। मोदी सरकार की नीतियों के कारण मध्य प्रदेश और बिहार नक्सलवाद से आजाद हो चुका है और अब झारखंड में नक्सलियों के सबसे पुराने गढ़ से सीआरपीएफ ने नक्सलियों का सफाया कर दिया है। सीआरपीएफ के नक्सल ऑपरेशन के कारण झारखंड में नक्सली बूढ़ा पहाड़ के इलाके तक ही सिमट के रह गए थे। बूढ़ा पहाड़ और उसके आसपास का जो जंगल है वो भौगोलिक रूप से बहुत ज्यादा कठिन है, इसलिए यहां पर पुलिस नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब यहां पर सीआरपीएफ का कंट्रोल हो गया है। झारखंड में जब से नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी तब से बूढ़ा पहाड़ पर नक्सलियों का कब्जा था, तब से, और कई बड़े नक्सली लीडर यहां पनाह लेते थे। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं झारखंड के बूढ़ा पहाड़ की हैं, जहां अब तस्वीर बदल चुकी है। बूढ़ा पहाड़ पूरी तरह से नक्सल मुक्त हो चुका है। पहाड़ की हर चोटी पर पुलिस और सेना का कंट्रोल है।
सीआरपीएफ ने यहां पर परमानेंट कैंप बना लिया है जहां जवान हमेशा तैनात रहेंगे। बूढ़ा पहाड़ तक आने जाने के लिए और रसद पहुंचाने के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जा रहा है। पिछली बार बूढ़ा पहाड़ में हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, पहले नक्सलियों के कारण यहां हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाता था। झारखंड में बूढ़ा पहाड़ का इलाका कहां पर है यह आपको थोड़ा मैप से समझाता हूं। यह इलाका जो लातेहार और गढ़वा जिलों में फैला हुआ है और इस पहाड़ का नाम गढ़वा जिले के बूढ़ा गांव के ऊपर रखा गया। बूढ़ा पहाड़ का एक हिस्सा छत्तीसगढ़ में भी है। मुश्किल हालात के कारण पुलिस और सीआरपीएफ यहां नहीं पहुंच पाते। इसके अलावा छत्तीसगढ़ से सटा होने के कारण सीआरपीएफ और पुलिस के ऑपरेशन के दौरान नक्सली छत्तीसगढ़ निकल जाते थे। कभी नक्सलियों के लिए सबसे सुरक्षित इलाका हुआ करता था। अलग अलग राज्यों के बड़े नक्सली लीडर यहां छिपने आते थे। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और बिहार के नक्सली यहां रहा करते थे। नक्सलियों ने कई बंकर और हथियार खाना तक बना लिया था। नक्सलियों ने ट्रेनिंग कैंप भी बनाई जहां लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जाती थी। मतलब इनका सेफ जोन था जो आज सीआरपीएफ के कंट्रोल में है। नक्सलियों ने ट्रेनिंग देकर कई खतरनाक ब्रिगेड भी तैयार कर ली थी। बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों को निकालने में और इस इलाके को मुक्त कराने के लिए पिछले कुछ समय में सीआरपीएफ ने 3 बड़े ऑपरेशन चलाए। ऐसे ही तो नहीं हुआ होगा कि बोले चलो अब मैं जाता हूं, निकल लेता हूं, अब तुम यहां सीआरपीएफ रहो। 3 बड़े ऑपरेशन चले, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन बुलबुल और ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म। तीनों ऑपरेशन के लिए सबसे पहले इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार किया गया, क्योंकि वहां की जानकारी नहीं मिलेगा तो ऑपरेशन कैसे कीजिएगा। जंगल है, कोई ऐसे खुले में नहीं जा रहे हैं। स्थानीय लोगों को भरोसे में लेकर नक्सलियों की जानकारी जुटाई गई। पहाड़ के निचले हिस्से में धीरे धीरे कैंप तैयार किए गए। पूरी तैयारी करने के बाद ऑपरेशन ऑक्टोपस को लॉन्च किया गया। सीआरपीएफ, जैगुआर असॉल्ट ग्रुप, आईआरबी और कोबरा बटालियन के जवान इसमें शामिल थे। पहाड़ की चोटी पर लगातार फायरिंग की गई जिससे नक्सलियों में हड़कंप मच गया। 4 और 5 सितंबर को नक्सलियों के बड़े बंकर पर सुरक्षा बलों ने कब्जा किया। 106 लैंडमाइंस, ये नक्सली हर जगह जो लैंडमाइन बिछा के रखते हैं वो बहुत बड़ा खतरा होता है, तो 106 लैंडमाइंस, एसएलआर की 350 गोलियां, 25 तीर बम, 500 मीटर कोडेक्स वायर बरामद किया गया। सुरक्षा बलों की कार्रवाई के बाद पहाड़ की चोटी पर मौजूद नक्सली भाग खड़े हुए। बूढ़ा पहाड़ इलाके में ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म अभी भी जारी है और भागे हुए नक्सलियों की तलाश की जा रही है। बूढ़ा पहाड़ में 20 से ज्यादा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग पोस्ट बनाए गए। बूढ़ा पहाड़ से नक्सलियों के खात्मे को सीआरपीएफ के डीजी बड़ी उपलब्धि मानते हैं। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह का कहना है कि अब बिहार के साथ झारखंड में भी नक्सलवाद का सफाया हो चुका है। अप्रैल 2022 के बाद से हम लोगों ने झारखंड में बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए और उसके फलस्वरूप हम लोग बूढ़ा पहाड़ पे पूरा कब्जा कर पाए। हेलीकॉप्टर भी उतार के फोर्सेस को वहां पहुंचाया गया है बड़ी मात्रा में। जितने भी फोर्सेज वहां पहुंची हैं उनका परमानेंट कैंप स्टैब्लिश कर दिया गया है। इस कैंप को स्टैब्लिश करने में हम लोगों ने करीब 3 बड़े ऑपरेशंस झारखंड में चलाए, ऑपरेशन ऑक्टोपस, ऑपरेशन बुलबुल और एक ऑपरेशन और हम लोगों ने ट्राई जंक्शन एरिया में चलाया था जो इस इलाके से काफ़ी थोड़ा दूर है लेकिन कनेक्टेड रहते हैं। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म जो अभी चल ही रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कामयाबी पर कहा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा में एक ऐतिहासिक पड़ाव पार हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध चल रही निर्णायक लड़ाई में सुरक्षा बलों ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। इसके लिए सीआरपीएफ इंडिया, सुरक्षा एजेंसियों व राज्य पुलिस बल को बधाई देता हूं। पहली बार बूढ़ा पहाड़, चक्रबंधा और भीम बांध के दुर्गम क्षेत्रों से माओवादियों को सफलतापूर्वक निकालकर सुरक्षा बलों के स्थायी कैंप स्थापित किए गए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के विरुद्ध गृह मंत्रालय की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी और यह लड़ाई आगे और तेज होगी। नक्सलवाद पर प्रधानमंत्री मोदी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी से क्या बदलाव आया यह आपको समझना चाहिए। 2020-21 की गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में 10 राज्यों के 76 जिलों के 328 थानों से रिपोर्ट आई थी। 2020 में 53 जिलों के 226 थानों से नक्सली हिंसा की रिपोर्ट आई। 2013 में कुल 1136 नक्सली घटनाएं हुई थी, 2020 में ये घटकर 665 रह गई। 2013 में नक्सली हिंसा में 397 लोगों की मौत हुई थी, 2020 में नक्सली हिंसा से 183 लोगों की जान गई।
2013 के मुकाबले 2020 में नक्सली हिंसा में 41% की कमी आई है। साल 2015 के बाद नक्सलियों के 90% हमले छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और ओडिशा में हुए। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसको LWE भी कहते हैं, उसके मामलों में 77% की कमी आई। 2009 में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की 2258 वारदातें हुई थी, जो अब घटकर 509 रह गई। अगर राज्यवार नक्सली हिंसा की घटनाओं और मौत की बात करें तो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसा की 3015 घटनाएं और 11 लोगों की मौत की खबर आई। झारखंड में 199 हिंसा की घटनाएं हुई और 39 लोगों की मौत हुई। ओडिशा में नक्सली हिंसा की 50 घटनाएं दर्ज की गई और 9 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 30, बिहार में 26 घटनाएं हुई और इनमें 8-8 लोगों की जान गई। 2018 के बाद से नक्सलवाद के खिलाफ मोदी सरकार ने एकदम आक्रामक रणनीति अपनाई और इसका असर यह हुआ कि अगर आप इसका आंकड़ा देखेंगे, 2018 में जो आंकड़ा था कि 225 नक्सली मारे गए, ये 2018 का था, और 1933 यानी 1933 पकड़े गए। 2019 में 145 मारे गए नक्सली और 1276 पकड़े गए, यानी लगातार नक्सलियों पर तेजी से कार्रवाई होती रही। 2020 में भी 103 नक्सली मारे गए और करीब करीब 1110 अरेस्ट हुए। मतलब अगर आप देखेंगे तो 3 साल के अंदर करीब करीब 500 नक्सली मारे गए और इधर लगभग 2000 और इधर 1200 और इधर 1100, मतलब 4-5 हजार के करीब नक्सली पकड़े गए। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद से निपटने के लिए समाधान योजना शुरू की। एस का मतलब है स्मार्ट लीडरशिप, ए का अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, एम से मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए से एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी से डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स एंड की रिजल्ट एरियाज, एच से हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ए से एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट एंड एन से नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। इस योजना के तहत नक्सलियों के खिलाफ कुशल नेतृत्व और आक्रामक रणनीति अपनाई गई। नक्सलियों की फंडिंग को बंद किया गया, जरूरी इंटेलिजेंस नेटवर्क तैयार किया गया, इसके अलावा सरेंडर करने वालों को प्रोत्साहित किया गया और प्रशिक्षण दिया गया ताकि वो अपनी जिंदगी चला सके। साथ ही नक्सल प्रभावित राज्यों की पुलिस को एडवांस बनाया गया, नक्सलियों को सरेंडर करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। सरेंडर करने पर नक्सलियों को सरकारी योजनाओं का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही हथियार सरेंडर करने पर पैसा मिलता है। जैसे AK-47 और AK-56 राइफल सरेंडर करते हैं तो 15,000 रुपया मिलता है, RPG या स्निपर राइफल सरेंडर करते हैं तो 20,000, पिस्टल रिवॉल्वर सरेंडर करने पर 3,000, रॉकेट सरेंडर करेंगे तो 1,000 रुपया, IED पर 1,000 रुपया, ग्रेनेड पर 500 रुपया मिलता है, विस्फोटक पर 1,000 रुपया प्रति किलो और सैटेलाइट फोन अगर सरेंडर कर देंगे तो 10,000 रुपया मिलता है। नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में स्थानीय लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भी मोदी सरकार ने काफी काम किया। नक्सल प्रभावित 32 जिलों में 1,484 पोस्ट ऑफिस खोले गए। 2015 से 2018 के बीच 30 जिलों में बैंकों की 604 नई ब्रांच खोली गई। 30 नक्सल प्रभावित जिलों में 987 ATM शुरू किए गए। 34 नक्सल प्रभावित जिलों में 4,981 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ। 2017-18 से अब तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 250 पुलिस स्टेशन अपग्रेड किए गए। 40 ITI और 61 स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए गए। 32 केंद्रीय विद्यालय और 9 जवाहर नवोदय स्कूल खोले गए। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए कई तरह की योजनाएं चल रही जिनमें सरकारी नौकरी तक शामिल है। यानी नक्सलियों को भी समझाया गया कि भैया छोड़ दो, आ जाओ मुख्यधारा में जुड़ जाओ, जो नहीं माने उनके या तो इनकाउंटर हो गया, मर गए या उनको पकड़ लिया गया, और उस पूरे इलाके का विकास किया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि वहां पर नक्सलियों को भी लगा कि सरेंडर करने में ही फायदा है और जो इलाका विकसित हुआ
तो लोगों की मदद जो नक्सलियों को मिलती थी वो भी बंद होती चली गई। तो ये नक्सल पर किस तरह से मोदी सरकार ने अटैक किया और उसका असर और रिजल्ट देश को दिख रहा है, उसका चैप्टर था। पाठशाला में अब वक्फ का वो चैप्टर जिसको सबसे पहले हमने उठाया पाठशाला के अंदर, उसकी विस्तृत जानकारी दी, कैसे वो देश के लिए गंभीर समस्या है इसके बारे में बात की, वक्फ की प्रॉपर्टीज पर कैसे कब्जा हो रहा है, वक्फ के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो दूसरों की प्रॉपर्टी पर कैसे कब्जा कर रहा है, 95 का एक्ट देश सेक्युलर देश के लिए कितना घातक है, सब कुछ हमने बताया। तो दूसरे लोगों ने भी इस पर चर्चा शुरू की, यूपी में सर्वे शुरू हुआ, तमाम बातें आगे बढ़ने लगी। और ये सब इस देश के लिए कितना जरूरी था ये आपको समझना है, तो आपको ये समझना होगा कि क्यों इस पर चर्चा हुई और हमने क्या बताया था। आज हम पाठशाला में दर्शकों की डिमांड पर वक्फ को लेकर जो चैप्टर हमने किया था उसकी कुछ अहम जानकारियां आपसे फिर से साझा कर रहे हैं। अगर आपने ये मिस किया तो इसको जरूर देखिए और समझिए कि क्यों इस देश में वक्फ बोर्ड, उस पर चर्चा और उसके कानून, जो उसको कानून के जरिए जो अधिकार मिले उस पर चर्चा जरूरी है। हमने पाठशाला में वक्फ एक्ट का चैप्टर खोला था जिससे पूरे देश को पता चला कि कैसे वक्फ एक्ट के जरिए कई बार किसी भी प्रॉपर्टी को हथिया लिया जाता है और इसे वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाता है। हमने तमिलनाडु के उस गांव की कहानी आपको बताई थी जो एक हिंदू बहुल गांव है जहां पर, और अपनी जमीन बेचने के लिए एक हिंदू को मुस्लिम वक्फ बोर्ड की परमिशन मांगनी पड़ी। क्यों भाई? क्योंकि पूरा गांव ही वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। हमने वक्फ एक्ट के उन सेक्शंस के बारे में आपको बताया था जो सेक्युलर भारत में सिर्फ एक धर्म को विशेष अधिकार देता है। ना हिंदू के पास वो अधिकार है, ना सिख के पास है, ना ईसाई के पास है, ना पारसी के पास है, ना बौद्ध के पास है, बस मुसलमानों को वो अधिकार मिला हुआ है सेक्युलरिज्म के नाम पर। जब हमने ये चैप्टर खोला तो पूरा देश जागा और आज हर जगह वक्फ की जमीन जायदाद की बात हो रही है, वैसे ही जैसे जब हमने ज्ञानवापी का मुद्दा उठाया तब देश जागा और ज्ञानवापी पर अलग अलग चैनल्स ने चर्चा शुरू की, वैसे ही जैसे हमने मथुरा का मुद्दा उठाया उसका वो इतिहास बताया जिसकी चर्चा पाठशाला की चर्चा अदालत तक में की गई तब दूसरे चैनल्स आए, वैसे ही आज हमने वक्फ को के नाम पर, वक्फ एक्ट के नाम पर सेक्युलर भारत में जो हो रहा है वो किसी अन्याय से कम नहीं है, जब उसका चैप्टर खोला तब आज सब कुछ लोग बात करना शुरू कर। आज मैं वक्फ की इन प्रॉपर्टीज पर एक और बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं कि कैसे कांग्रेस के राज में वक्फ बोर्ड मुस्लिम वोट पाने का जरिया बना दिया गया था। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि कांग्रेस के राज में वक्फ बोर्ड को मुस्लिम वोट पाने का जरिया बनाया गया, इसके लिए आपको कुछ दस्तावेज दिखाता हूं, लेकर आया हूं द गैजेट ऑफ इंडिया, ये लिखा हुआ है ना, भारत सरकार का दस्तावेज है और ये एक सीक्रेट दस्तावेज भी लेकर आया हूं और ये दोनों कांग्रेस के जमाने के हैं, यूपीए सरकार के जमाने में। पहला जो आपको गजट दिखा रहा हूं ये भारत सरकार का गजट है जो मार्च 2014 का है, यानी 2014 में चुनाव के ठीक पहले का गजट। ये उस वक्त का गजट है जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और केंद्र में कांग्रेस की यूपीए सरकार थी। इस गजट में जो कहा गया है आप सुनकर हैरान रह जाएंगे बॉस, क्योंकि इस गजट के जरिए दिल्ली की एक नहीं दो नहीं 123 सरकारी प्रॉपर्टीज को दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया गया। 123 सरकारी प्रॉपर्टीज, आप सोचिए यह कितना बड़ा आंकड़ा है कि दिल्ली के अंदर, दिल्ली की 123 सरकारी संपत्ति किसको दी गई? दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी गई, दिल्ली वक्फ बोर्ड को। और किसने दी? मनमोहन सरकार ने। किस वक्त दी? मार्च 2014 यानी चुनाव शुरू होने के ठीक पहले 123 सरकारी संपत्ति दिल्ली की वक्फ बोर्ड को दे दी गई। सरकारी संपत्ति मार्च 2014 में। देश में कांग्रेस की यूपीए सरकार के खिलाफ एक पूरा आंदोलन चला था, आपको याद होगा, जिस आंदोलन की पैदाइश है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी,
उस वक्त जब निर्भया कांड जो हुआ उससे देश हिल गया था, उस वक्त चुनाव में कैसे जीत दर्ज करनी है उस पर फोकस करने की बजाय एक सरकार चुनाव का की घोषणा के ठीक पहले एक गजट निकाल देती है और 123 संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे देती है। इस गजट में दिल्ली की इन 123 प्रॉपर्टीज के नाम दिए गए हैं और यह कहा गया है कि इन प्रॉपर्टीज पर अब सरकार अपना अधिकार छोड़ रही है और इन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले किया जा रहा है। यहां आप इस बात पर ध्यान जरूर दीजिए कि मार्च 2014 का यह वो वक्त था जब लोकसभा के चुनाव होने वाले थे। 5 मार्च 2014 को यह गजट आया और इसी दिन आचार संहिता लग गई थी। एक तरफ आचार संहिता लग रही थी, दूसरी तरफ गजट निकालकर वक्फ बोर्ड को संपत्ति सौंपी जा रही थी सरकार की। इससे तो यही पता चलता है कि यह सब वोट पाने के लिए किया गया, वरना इतने आनंद फानन में भाई ऐसा क्या था। अगर वाकई वक्फ की संपत्ति थी अगली सरकार आती दे देती। उधर आचार संहिता लग रही है, इधर जो है वक्फ को संपत्ति दी जा रही है। वो संपत्तियां जिन पर सरकार का दावा था उन्हें वक्फ बोर्ड को दे दिया गया, क्योंकि जिस दिन 2014 के चुनाव के लिए आचार संहिता लगनी थी उस दिन मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार के लिए सबसे जरूरी काम यह गजट जब छपवाना रह गया था। यह 5 मार्च 2014 का गजट है जिसमें साफ साफ लिखा है कि दिल्ली में लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस की 61 और दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA की 62 संपत्तियां वक्फ बोर्ड को सौंप दी जाएंगी। इस सरकारी गजट में लिखा है कि लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस और दिल्ली विकास प्राधिकरण के कंट्रोल में आने वाली वक्फ संपत्तियों पर अपने अधिग्रहण के अधिकार को छोड़ देगी सरकार और इन 123 संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंपने के लिए बस दो शर्तें रख दी गई कि इन संपत्तियों के एवज में सरकार या डीडीए या अन्य कोई सरकारी एजेंसी मुआवजा नहीं देगी। अरे जब जमीन ही दे दी है तो मुआवजा क्या दीजिएगा बॉस, करोड़ों की जमीन दे दी है। और दूसरी शर्त कि दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इन संपत्तियों से जितने केस सरकार के खिलाफ किए हैं उन्हें वापस ले लिया जाए। यानी एक सरकार जो केस लड़ सकती थी, केस हार जाती और तब यह दिल्ली वक्फ बोर्ड को चला जाता तो समझ में आता था, वो मनमोहन सिंह की सरकार चलते हुए केसेस को वक्फ बोर्ड से कह रही है कि आप वापस ले लीजिए और यह जमीन ले लीजिए। और किस दिन? जिस दिन आचार संहिता लागू हो रही है 2014 के चुनाव की। और यह गवाही पेपर दे रहा है, मुस्लिम वोट बैंक के लिए यह सब नहीं हुआ तो बताए कि लोग कि जिस वक्त आचार संहिता लागू हो रही थी 123 संपत्तियों का जब केस चल रहा था तो आने देते कोर्ट से फैसला, क्यों नहीं कोर्ट से फैसला आने दिया, क्यों कह दिया कि वक्त को दे दीजिए। इन 123 संपत्तियों में कई संपत्तियां ऐसी हैं जो दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर हैं और इनकी कीमत करोड़ों रुपए है। इनमें से कुछ संपत्तियों के बारे में आपको बताता हूं, ये पढ़िए। संपत्ति का नाम इसमें दिया हुआ है, जैसे पक्का मजार मस्जिद के निकट JP अस्पताल के भीतर की संपत्ति, बताइए। मस्जिद और कब्रिस्तान फजल मोहम्मद रामलीला मैदान तुर्कमान गेट पर दे दिया वक्फ बोर्ड को। जाप्तागंज मस्जिद इंडिया गेट के निकट मानसिंह रोड, इंडिया गेट के निकट, सोचिए कितना प्राइम लोकेशन है, वो दे दिया। मस्जिद निकट हनुमान मंदिर इरविन रोड, जामा मस्जिद रेड क्रॉस रोड संसद भवन के निकट, संसद भवन के पास की संपत्ति दे दी वक्फ बोर्ड को कि ले जाओ वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। ऐसी पूरी लिस्ट है बॉस 123 संपत्ति की। और अगर केस हार जाते तो समझ में आता था, खुद से दे दिया, क्या देख के दे दिया। और अगर देख रखा था तो केस किस बात का लड़ रहे थे। और इतनी क्या ऐसी क्या चीज दिख गई चुनाव के ठीक पहले की उठाकर वक्फ बोर्ड को दे दिया। और ये सरकार की, मनमोहन सिंह की, सोनिया गांधी की, UPA सरकार की संपत्ति है बॉस, ये हमारी आपकी देश की संपत्ति है, दे दिया उठाकर वक्फ बोर्ड को चुनाव के पहले। जिस दिन मनमोहन सरकार ने सरकारी आदेश निकालकर सरकारी जमीन वक्फ के हवाले कर दी थी उसी दिन शहरी विकास मंत्रालय के तत्कालीन अतिरिक्त सचिव JP प्रकाश ने शहरी विकास मंत्रालय के ही तत्कालीन सचिव सुधीर कृष्णा को एक लेटर लिखा था और यह चिट्ठी भी मेरे पास है। आप सोचिए कितनी ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही थी कि कहीं
आचार संहिता लग जाए और ये जमीनें हम ना लौटा पाए तो क्या होगा? जैसे आसमान फट जाएगा, धरती फट जाएगी, आसमान गिर पड़ेगा। 5 मार्च को यह चिट्ठी लिखी गई थी और इस लेटर में यह लिखा गया था, बताया गया था कि कैबिनेट के फैसले को लेकर 4 मार्च को सचिव ने कॉल कर दिया था, जिसमें 123 संपत्तियों पर फैसले के बारे में बताया गया है, जिन्हें सरकार के कंट्रोल से हटाकर वक्फ बोर्ड के हवाले किए जाने का फैसला हुआ था। इसमें कहा गया कि कैबिनेट के फैसले को लागू करने के लिए आधिकारिक तैयारी कर ली जाए। एक कॉल हुआ, सोचिए, दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज, प्राइम प्रॉपर्टीज, एक फोन कॉल चली गई वक्फ बोर्ड के पास। यह है इस देश का सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म, हिंदू राम मंदिर के लिए लड़ रहा है सालों साल कोर्ट में, और उस जमाने में कपिल सिब्बल जाकर और वकील जाकर बता रहे हैं कि राम काल्पनिक चरित्र थे। ज्ञानवापी में मंदिर के लिए हिंदू कोर्ट में लड़ रहा है और वक्फ की 123 संपत्ति एक कॉल पर ट्रांसफर हो गई। दिल्ली की 123 सरकारी संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड के नाम किए जाने पर उस वक्त वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद ने विरोध किया था। विश्व हिंदू परिषद ने इस फैसले के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। विश्व हिंदू परिषद ने मांग की थी कि इस फैसले को वापस लिया जाए क्योंकि यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करता है। वीएचपी ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों के वोट पाने के लिए यह फैसला लिया गया। वीएचपी कह रही थी कि जो संपत्ति दिल्ली वक्फ बोर्ड के नाम कर दी गई उसमें कई संपत्ति दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर है, वक्फ बोर्ड इसको बेच सकता है। ज्यादातर संपत्ति कनॉट प्लेस, मथुरा रोड, लोधी रोड, मानसिंह रोड, पंडारा रोड, अशोका रोड, जनपथ, संसद मार्ग, करोल बाग, सदर बाजार, दरियागंज और जंगपुरा में है। और जो लोग दिल्ली का इतना भी जानते होंगे वो समझते होंगे कि कितनी प्राइम प्रॉपर्टीज दी है। बीएचपी ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली। याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 अगस्त 2014 को यह कहा कि इस मामले में सभी पक्षों को सुना जाना चाहिए और केंद्र सरकार इस पर फैसला ले। इसके बाद साल 2016 में मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर एक सदस्यीय कमेटी बनाई। मोदी सरकार ने जो एक सदस्यीय कमेटी बनाई उसने 10 अगस्त 2016 को एक नोटिफिकेशन जारी किया और यह बताया कि इस मामले में जिस पक्ष को भी जो भी आपत्ति है वो लिखित में दे सकता है, वो कमेटी के सामने बयान दे सकता है। साल 2017 में कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शहरी विकास मंत्रालय को सौंप दी। अगस्त 2018 में मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर यह कहते हुए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई कि पहले वाली कमेटी की रिपोर्ट पूरी नहीं थी। नवंबर 2021 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस संबंध में एक पब्लिक नोटिस भी जारी किया और कहा कि जिन्हें भी इन संपत्तियों के संबंध में कुछ आपत्ति है वो बता सकते हैं। जब मोदी सरकार ने 2 सदस्यीय कमेटी बनाई तो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दी। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इस बात पर आपत्ति जताई कि केंद्र सरकार ने 123 संपत्तियों में एक संपत्ति को आईटीबीपी को आवंटित कर दिया था। वक्फ बोर्ड 123 में से एक संपत्ति छोड़ने को तैयार नहीं है, कह रहा है आईटीबीपी को दे दिया, और आईटीबीपी को दिया तो देश के लिए ही दिया होगा ना, देश के लिए एक संपत्ति नहीं छोड़ रहे। और हमारे यहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की सरकार चुनाव में जाने के पहले 123 संपत्ति देकर चली गई और वक्फ बोर्ड कह रहा है आईटीबीपी को क्यों दे दी एक संपत्ति। यह संपत्ति दिल्ली के मथुरा रोड पर स्थित एक कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान छोड़ने को तैयार नहीं। जो दुनिया छोड़ के चले गए उनके लिए जगह छोड़ने को तैयार नहीं। साल 2017 में इस जमीन को आईटीबीपी को दिया गया था। वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में यह दलील दी कि साल 5 मार्च 2014 को केंद्र सरकार ने 123 संपत्तियों का अधिकार उन्हें दे दिया, भाई उनके पास तो है, ये गजट है, वो कह रहे कि हमको दे दिया, अब क्या, अब हम नहीं देंगे, इसलिए संपत्ति को वक्फ से नहीं लिया जा सकता। हालांकि दिल्ली वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट ने कहा कि यह बहुत अनकॉमन नहीं है बॉस कि कब्र को शिफ्ट किया जाए अगर वो किसी विकास परियोजना के लिए रोड़ा बन रही है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और वक्फ बोर्ड को मुंह की खानी पड़ी। पर आप सोचिए, जो जगह आईटीबीपी को मिलनी चाहिए थी वो जगह वक्फ बोर्ड को उठाकर दे दी एक सरकार ने चुनाव के ठीक पहले, और हाईकोर्ट कह रहा है कि भाई विकास के काम के लिए हो रहा है तो ठीक है,
सरकार को नहीं लगा कि इन जमीनों पर कितना विकास का काम हो सकता था? और मैं आपको यह भी बता दूं कि यह सिर्फ 2014 में चुनाव के पहले मनमोहन सरकार ने कर दिया, ऐसा मामला नहीं है। कल हमारे शो में विष्णु जैन जी आए थे, वो बता रहे थे कि जब भारत का बंटवारा हुआ, इधर से मुसलमान पाकिस्तान गए, वहां से हिंदू इधर आए, तो यहां कई ऐसी जमीनें थी जो सरकार के पास आ गई और कहा गया कि भाई वो जो हिंदू बेचारे अपना जमीन उधर छोड़कर आए हैं, जायदाद छोड़कर आए, उनको दे दीजिए, उनको बसा दीजिए। राजीव गांधी सरकार ने वो जमीनें उठाकर वक्फ बोर्ड को दे दी और वो बेचारे हिंदू जो सब छोड़कर आए थे, विष्णु जैन जी का कहना है कि वो वहां पर किराया देकर रहते। ये इस देश में हिंदुओं का हाल किया गया है। यहां एक बात पर आप ध्यान दीजिए कि दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी पर अधिकार के लिए सरकार के खिलाफ भी कोर्ट चला गया और यह तो सिर्फ 123 प्रॉपर्टीज की बात थी जिन पर सरकार ने अपना अधिकार छोड़कर वक्फ को दे दिया। सोचिए पूरी दिल्ली में ऐसी कितनी प्रॉपर्टी होगी। जिस तरह से इनका स्टैंड रहा है उससे तो यही लगेगा कि वक्फ बोर्ड चाहे तो आधी से ज्यादा दिल्ली पर उसी का कब्जा होगा। और अगर यही रहा तो देश के पीएम का घर और सेंट्रल विस्टा का पूरा एरिया जिसमें नई संसद भी आती है वो भी वक्फ बोर्ड का हो जाएगा, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं सेंट्रल विस्टा, इसकी हालत समझिए। पिछले साल ही दिल्ली वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में याचिका डाल दी थी। याचिका में कहा था कि 6 ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत आने वाले एरिया के अंदर या उसके आसपास हैं। वक्फ बोर्ड ने कहा कि इन 6 संपत्तियों में से 5 तो मस्जिद हैं जो 100 साल पुरानी है। इसमें मस्जिद जाप्तागंज, जामा मस्जिद नई दिल्ली, मस्जिद सुनहरी बाग, मजार सुनहरी बाग, मस्जिद कृषि भवन, मस्जिद वाइस प्रेसिडेंट हाउस है। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने मांग रखी कि इन संपत्तियों को बचाना जरूरी है, तब हाईकोर्ट ने कहा कि यह संभव नहीं है बॉस, सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट पर रोक का आदेश पारित किया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट में केंद्र की तरफ से भी यह कहा गया कि सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट से दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा। लेकिन कल को ये उठ के दावा ठोक देंगे कि अरे ये पीएम का घर भी वक्फ संपत्ति है, हर चीज वक्फ संपत्ति है, कहां कहां का उठा के दे देते। कोई कहते देता औरंगजेब ने है जो है फलाने को गिफ्ट कर दिया था तो अकबर ने उसको दे दिया था। अरे बॉस, सब जिसका मन आया एक तो बाहर से आकर यहां जम गए और उसके बाद इसको उठा के दे दिया, उसको उठा के दे दिया, इसे तो पूरा इंडिया ही आपका वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगा। इसी तरह से वक्फ बोर्ड कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का घर 10 जनपद पर भी दावा कर सकता है। बताता हूं क्यों। सोनिया गांधी के घर के परिसर के पास एक मजार है। इस मजार पर नजर तब पड़ी जब इस साल 18 मार्च को गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी से मिलने उनके घर गए। गुलाम नबी आजाद के उनके घर पहुंचने की तस्वीरें तब सामने आई तो उसमें मजार दिखा। वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड के पास ये पावर है कि वो किसी संपत्ति को वक्फ घोषित कर सकता है। अधिकतर वक्फ संपत्तियां मस्जिदें हैं, ईदगाहें, मजार हैं और खेत हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि मजार वक्फ की संपत्ति है या नहीं, लेकिन कल को वक्फ कह दे ये 10 जनपद जहां सोनिया गांधी जी रहती हैं ये भी वक्फ की संपत्ति है, तो जो 95 का एक्ट है जो नरसिम्हा राव सरकार के बनाकर गई थी, वो सोनिया गांधी का घर भी हो जाएगा वक्फ प्रॉपर्टी। 123 में 124 हो जाएगा, 10 जनपद चला जाएगा, ये हो सकता है। अब ये नहीं कह रहा हूं कि हो ही जाएगा, लेकिन कल को ठोक देंगे दावा तो ये हो सकता है। दिल्ली का एक और उदाहरण आपको बताता हूं। मैरोली इलाके के लड्डा सराय में पहाड़ी पर 5-7 कब्र के साथ कुछ साल पहले एक मस्जिद बना दी गई। वक्फ बोर्ड ने अपना बोर्ड लगा रखा है, यह जमीन उसकी है। इसी के साथ वक्फ बोर्ड का दावा है कि 7 बीघा जमीन भी उसी की है। लेकिन इसी जगह के पास ही दिल्ली विकास प्राधिकरण का बोर्ड भी लगा है, उसमें उस जगह पर कब्जा न करने की चेतावनी दी हुई है। मतलब एक तरफ वक्फ बोर्ड कह रहा है मेरी जमीन है, दूसरी तरफ DDA कह रहा है ये मेरी जमीन है। आसपास के लोग भी दावा करते हैं कि सारी जमीन DDA की है, लेकिन 5 साल पहले ही यहां मस्जिद बना दी गई। बताइए, ये दिल्ली की लोकेशन दिखा रहा हूं, बड़ी बड़ी लोकेशन, बोर्ड लगा दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। और 95 का एक्ट ऐसी ऐसी पावर देके जाता है तो करेंगे ही। अभी तो आपको बताया पीएम का घर सेंट्रल विस्टा में बन रहा है, वो भी वक्फ की प्रॉपर्टी ना हो जाए। सोनिया गांधी का घर वक्फ की प्रॉपर्टी ना हो जाए। मुकेश अंबानी का घर तो वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये दावा ठोक दिया गया था बॉस, ये एंटी लिया, कह दिया कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। एंटीलिया जो दुनिया के सबसे महंगे घरों में से एक है,
उसमें जिस जमीन पर मुकेश अंबानी का घर बना है उसे भी वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति बता दिया। मुकेश अंबानी का घर साउथ मुंबई के अल्टामोंट रोड पर 4532 स्क्वायर मीटर की जमीन पर फैला है। एंटीलिया कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड ने करीम भाई इब्राहिम खोजा अनाथालय से यह जमीन पब्लिक ऑक्शन में खरीदी थी। साल 2002 में यह नीलामी हुई थी। जमीन के लिए 21 करोड़ रुपए चुकाए गए थे। वक्फ बोर्ड की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि यह जमीन वक्फ के सदस्यों ने अवैध तरीके से जमीन बेच दी। तो सोचिए, अगर मान लीजिए जमीन थी और अवैध तरीके से बेची गई, तो सोचिए वक्फ बोर्ड के अंदर क्या चल रहा है। 21 करोड़ रुपए की जमीन अवैध तौर पर बेच दी, और बेच दी, खरीदने वाले ने खरीद ली। अब आप कह रहे हो वक्फ की प्रॉपर्टी है। साल 2003 में तत्कालीन वक्फ मंत्री नवाब मलिक ने अनाथालय की जमीन को बेचने का विरोध किया और जमीन की बिक्री पर रोक लगा दी। साल 2003 में वक्फ बोर्ड ने भी इसका विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और वक्फ बोर्ड को बॉम्बे हाईकोर्ट जाने के लिए कहा। हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। साल 2016 में भी एक याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट में डाली गई थी। हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई थी कि 14 साल बाद यह मामला क्यों उठाया जा रहा है, और याचिकाकर्ता शादाब पटेल की याचिका खारिज कर दी और कोर्ट का वक्त बर्बाद करने के लिए 50,000 का जुर्माना भी लगाया था। अब आप सोचिए, जब मुकेश अंबानी के घर पर दावा ठोका जा सकता है तो बाकी जगहों का क्या हाल होगा। लेकिन इस पर और चैप्टर आगे भी खोलूंगा, अभी तो यह जानकारी दी है थोड़ी, पर मैं आपको और देश को बताना चाहता हूं कि जो अधिकार सेक्युलर देश में ना हिंदू के पास है, ना सिख के पास, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन, ना पारसी के पास, वो एक धर्म के लोगों को क्यों मिले। वक्फ बोर्ड रखना है, रखिए, लेकिन ये अधिकार 95 के एक्ट के तहत देना, और फिर चुनाव में जाने से पहले दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज वक्फ दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे देना। मनमोहन सरकार से ये सवाल होना चाहिए, उस वक्त की मनमोहन सरकार से, कांग्रेस पार्टी से, मनमोहन सिंह से, कि क्यों दे दिए बॉस, आचार संहिता लग रही है, इधर आप जमीन दे रहे हो। और पाठशाला में अब वीडियो ब्रेकिंग का चैप्टर। जब भर भराकर गिरा बर्फ का पहाड़, ग्लेशियर से हिमस्खलन, देखने वालों की फट गई आंखें। एवलांच की तस्वीरें केदारनाथ धाम के चोराबाड़ी ग्लेशियर से सामने आई है। दरअसल रुद्रप्रयाग के चोराबाड़ी ग्लेशियर में एवलांच आया तो लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। भर भराकर गिरते बर्फ के पहाड़ को देखकर लोग हक्का बक्का रह गए। पहाड़ की चोटी से शुरू होकर जैसे ही बर्फीले तूफान का नीचे आना शुरू हुआ, इस भयानक मंजर को देखकर लोग दहशत में आ गए। टूरिस्ट को समझ ही नहीं आया कि वो इस एवलांच को देखकर मंत्रमुग्ध हो या फिर अपनी जान के लिए फिक्रमंद। हालांकि स्थानीय लोगों ने तुरंत हिमस्खलन की सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आया। राहत की बात यह है कि एवलांच से फिलहाल किसी भी तरह का नुकसान होने की खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ भारत। ये उत्तराखंड में आई तबाही की तस्वीर है। उत्तरकाशी में पहाड़ टूटा और चट्टान के टुकड़े सिर्फ कुछ मिनटों में सड़क पर आ गए। हेलगुगाड इलाके के पास गंगोत्री जाने वाली यात्रियों पर यह पहाड़ तोड़ तबाही कहर बनकर टूटी है। देखिए कैसे पहाड़ के बड़े बड़े हिस्से टूटकर नीचे की तरफ आ रहे हैं। सोचिए अगर कोई गाड़ी या इंसान इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ जाए तो उसका क्या होगा। जानकारी के मुताबिक करीब 2000 यात्री यहाँ पहाड़ टूटने की वजह से फंसे हुए हैं। भूस्खलन की खबर मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और JCB की मदद से रास्ते को खुलवाने की कोशिश में जुट गई है। हालात का जायजा लेने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया है। साथ ही फंसे हुए यात्रियों के लिए खाने पीने का इंतजाम भी किया गया। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद सड़क से मलबा हटाकर रास्ते को खोला जा सका। पाठशाला में आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी सोमवार को। नमस्कार।